नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी आपको बतला दें, युगांडा सरकार ने कर्ज चुकाने में विफल रहने के कारण अपना प्रमुख हवाई अड्डा चीन के हाथों गवा दिया है। आपको बतला दें, खबरों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार चीन के साथ एक लोन एग्रीमेंट को पूरा करने में विफल रही, जिसमे उसके एकमात्र हवाई अड्डे को संलग्न करने की चुनौती शर्तें थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटबे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य युगांडा भी संपत्तियां कुर्क की गई और चीनी ऋण दाताओं की ओर से ऋण की मध्यस्थता पर कब्जा करने पर सहमति व्यक्त की गई। आपको बतला दें कि राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने एक प्रतिनिधिमंडल की पेजिंग भेजा था, जिसमें इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि इन शर्तों पर फिर से बातचीत हो सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि यात्रा असफल रही क्योंकि चीन के अधिकारियों ने सौदे की मूल शर्तों में किसी भी बदलाव की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। उस समय वित्त मंत्रालय और नागरिक उड़ान प्राधिकरण की ओर से प्रतिनिधित्व की गई युगांडा सरकार ने 17 नवंबर 2015 को निर्यात आयात बैंक ऑफ चाइना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और कुछ शर्तों के साथ ऋण की राशि ली गई थी। चीन ने किया बातचीत करने से इनकार। जी हाँ, खबरों में यह भी बताया गया है कि चीन उधारदाताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए सौदे का मतलब युगांडा ने चीन को अपना सबसे प्रमुख हवाई अड्डा आत्मसमर्पण कर दिया है। युगांडा नागरिक उड़ान प्राधिकरण ने कहा कि वित्त पोषण समझौते में कुछ प्रावधान एंटबे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य युगांडा संपत्तियों को पेचिंग में मध्यस्थता पर चीनी उधारदाताओं द्वारा संलग्न और अधिग्रहण करने के लिए हैं। चीन ने युगांडा की ओर से 2015 के ऋण के खंडों पर फिर से बातचीत करने की दलीलों को खारिज कर दिया है, जिससे युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी का प्रशासन उधर अधर में है। आपको बतला दें कि कर्ज के जाल पर चीन ने दी है सफाई। वहीं 26 नवंबर को चीनी विदेश मंत्रालय के संबंधित प्रधान ने पत्रकारों से कहा कि अफ्रीका के लिए तथाकथित ऋण जाल बनाने का चीन का दावा ना तो तथ्यात्मक है और ना ही तार्किक। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद चीन अफ्रीकी देशों ने कर्ज के बोझ को कम करने का समर्थन करता है और सबसे गरीब देशों के ऋण चुकौती के निलंबित करने के लिए G20 की पहल को सक्रिय रूप से लागू